हम अभी हैं जैसलमेर वॉर म्यूज़ियम के अंदर, और ये म्यूज़ियम 1971 के अंदर जो भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था उसके ऊपर है। और यहाँ पे पाकिस्तान के बहुत सारे टैंक, गाड़ियाँ और रॉकेट लॉन्चर काफ़ी है यहाँ पे। इसके लिए हमें एक टिकट लेनी पड़ी है, ये टिकट है 30 रुपये की। और अब हम अंदर जा रहे हैं। वो भी जो पाकिस्तानी सेना के हैं वो यहाँ पे रखे हुए हैं। और इसके अंदर जितने भी फौजी भाई हैं यहाँ पे, रखरखाव यहीं पे करते हैं इन सब का। दोस्तों यहाँ पर आप जितने भी ये पाकिस्तानी टैंक देख रहे हैं ना, ये भारतीय सेना ने जब युद्ध हुआ था उस टाइम इनको लूट लिया था यहीं पर, पाकिस्तानियों को ख़त्म कर करके टैंक को यहीं पर लूट लिया था, जो अभी प्रदर्शनी के अंदर लगे हुए हैं। और हर भारतीय यहाँ पर आकर के गर्व कर सकता है कि भारतीय सेना ने इनको पाकिस्तानियों को किस तरह से हराया था, और टैंक जो है इस बात के गवाह है। हमने 1971, 1947, 1965, 1948 जितने भी युद्ध के अंदर शहीद हुए थे उन सब के बारे में देखा और जाना। और पूरा म्यूज़ियम हमने देख लिया है। यहाँ पे पाकिस्तान के जो भी हथियार थे या फिर जो भी गाड़ियाँ या फिर जो टैंकर आए थे वो कुछ यहाँ पे दर्शन के लिए रख रखे हैं, देखने के लिए पर्यटन में। यहाँ पे रेस्टोरेंट है, एक शॉप है, वहाँ से आप कुछ सजावट की चीज़ें खरीद सकते हो। और ये म्यूज़ियम वहाँ पे लिखा हुआ था 2018 में ही बना है, और अच्छा म्यूज़ियम है ये। 2018 में चीफ मिनिस्टर वसुंधरा राजे की वजह से बना है। और यहाँ पे अभी बहुत सारे लोग घूमने के लिए आते हैं, और मेरे ख्याल से अच्छी जगह है ये, यहाँ पे आना चाहिए सबको और देखना चाहिए किस किस ने अपने लिए सेक्रीफाइस किया है अपनी ज़िंदगी को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, और किसी और को दिखाना चाहते हैं तो इसे शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। शुभ जर्नी। जय हिंद, जय भारत।
Mm-hmm.